बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुढ़िया गांव में लंबित सातनारी जलाशय का निर्माण भूमि पूजन आज क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश सरकार के आयुष व जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया। बता दें कि यह सातनारी जलाशय जलाशय परियोजना 1980 में स्वीकृत हुई थी, जिसका लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश यह कार्य तब से अब तक लगभग 40 साल से लंबित है, जिससे सिंचाई के अभाव में किसानों को फसलों के नुकसान होते रहे और वे पूरी तरह भगवान भरोसे अपनी फसल को लेकर निर्भर रहते थे। आधा दर्जन ग्राम पंचायत के लगभग 2000 किसान सिंचाई सुविधा से वंचित थे। ऐसी परियोजना है जिसके लिए प्रदेश सरकार के विधानसभा पटल में कई बार सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन इसे पंख नहीं लग पा रहा था। आखिरकार जब रामकिशोर कावरे फिर से विधायक और प्रदेश सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री बने, उन्होंने इस अधूरी परियोजना को पूर्ण करने के लिए कार्य किया। इसका आज भूमि पूजन किया गया है। परियोजना को लेकर किसानों में खुशी का माहौल रहा और वे अब अपनी फसलों के सिंचित होने को लेकर पूरी तरह आश्वान्वित हो चुके हैं। जो अधूरी जलाशय का कार्य है, इसे 1 साल के भीतर 10 करोड़ की लागत से पूर्ण करने का जिम्मा जल संसाधन विभाग सर्वे संभाग को सौंप दिया गया है। बहुप्रतीक्षित मांग सातनारी जलाशय आज भूमि पूजन किया जा रहा है, आपके क्षेत्र का मामला है, आज भूमि पूजन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? 1980 के दशक का मामला है, वन की कुछ समस्याएं थी उस समय, 22 लाख रुपए में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति थी, लेकिन उस समय ये बांध नहीं बन पाया। समय बीतता चला गया, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, किसी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। देखिए, एक कहावत आपने सुना है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार हैं। मैं जब 2008 में पहली बार विधायक बना तो मैंने इसकी बारीकियों को समझा, मैंने शासन से संपूर्ण कार्रवाई किया, मैंने भारत सरकार से इसकी अनुमति लाई। दुर्भाग्य से मैं 2013 में चुनाव नहीं जीत पाया, फिर ये स्थितियाँ धीमी हो गई, लेकिन 2018 में जैसे ही मैं विधायक बना, मैंने इसको विशेष रूप से ध्यान दिया और मैंने अपनी कार्रवाई प्रारंभ किया। सौभाग्य से आप सब के जनता के आशीर्वाद से इसी विभाग का मंत्री बन गया। तो मैंने पहली बार जब विधानसभा मंत्रालय में शपथ लिया, लेने के बाद मैं पहली बार जब अपना पदभार ग्रहण किया तो मैंने सबसे पहले सातनारी जलाशय की फाइल बुलाई। मैंने इसके अद्यतन स्थिति को देखा और इसके अद्यतन स्थिति को समझ के मैंने विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके सारी कार्रवाई, जो हमको फॉरेस्ट की जो डूब का क्षेत्र था उसकी ज़मीन की हमने व्यवस्था की, हमने 7 करोड़ रुपये जो मुआवजा फॉरेस्ट को देना था हमने उसके लिए राशि व्यवस्था की, हमने बजट में प्रावधान किया और हमने पैसा दिया, और उसके बाद में हमको 54 हेक्टेयर ज़मीन हमको फॉरेस्ट विभाग को राजस्व के मामले उससे देना पड़ा, हमने वो व्यवस्था भी की। सारी कार्रवाई करने के बाद में हमने प्रशासन की स्वीकृति इसकी करवाई, और प्रशासन की स्वीकृति करने के बाद एजेंसी तय हुआ, DPR तैयार हुआ, एजेंसी तय हुआ, और आज इसका भूमि पूजन करके हम इसका श्री गणेशा कर रहे हैं। कितने किसानों का फायदा होगा मंत्री जी बन जाने से? इसमें लगभग 4-5 हज़ार किसानों का फायदा होगा, लगभग 10 पंचायतें इसमें शामिल है, 10 पंचायत के लोगों को फायदा होगा, अनुमानित फायदा तो है, लेकिन जब जलाशय बनेगा तो इससे ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। किसानों को और मछुआरों को क्या फायदा? मछुआरे को फायदा ये होगा कि वो अपना व्यवसाय कर पाएंगे, किसानों को ये फायदा हुआ होगा कि वो अपने जब खेती करेंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हम पानी उपलब्ध कराएंगे। कितनी लागत से बन रहा है ये? अभी 10 करोड़ की लागत से है, और भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी 3 करोड़ रुपये इसकी प्रथम किस्त में दिए, 7 करोड़ रुपये हमने फॉरेस्ट के लिए, हमारे जो नहरें बनाना है उसके लिए भी बजट की व्यवस्था, हमने तो शुरुआत में हमने प्रारंभ किया, जितने पैसे लगेंगे पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा, पर किसानों को किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का जो मेरा संकल्प था, उस संकल्प का आज हमने श्री गणेश से किया, वो पूरा होगा। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.